हेलो गाइस, गाइस मैं हूं मोनू और आज हम पहुंच गए हैं एक खेत में, मध्य प्रदेश के एक खेत में। और दोस्तों, अक्सर मेरे दिमाग में ये सवाल जरूर उठता रहा है कि मध्य प्रदेश की खेती में एक पैटर्न के हिसाब से, मतलब कि एक लाइनिंग के हिसाब से खेती होती है, तो उस पैटर्न को, उस लाइन की जरूरत क्या है, खेत में आखिर क्यों इन लाइनिंग्स की जरूरत होती है, आज हम खेत में जानेंगे, क्योंकि हम खेत में हैं भी और प्लस यहां पर किसान भी उपस्थित हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखा दें कि हम किस लाइनिंग और किस पैटर्न की बात कर रहे थे। आप देख रहे होंगे कि ये एक लाइनिंग में एक लाइन जा रही है जिसके बीच में बिल्कुल ब्लैंक है, यानी कि बीच में कुछ घास उगी हुई है और बीच में बिल्कुल ब्लैक कलर की मिट्टी दिख रही है। तो इस पैटर्न के, हालांकि इसमें कुछ बोया गया है, चावल की खेती हुई है, लेकिन ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं वो किस तरीके से होती है और ये आखिर क्यों जरूरी है खेतों में, वो सारी चीजें आज हम जानेंगे। आप ये पैटर्न बिल्कुल लाइन से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरे खेत में है, और अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बनाई जाती हैं, क्योंकि कार्यरत हमारे किसान लोग अभी भी इसमें लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये इसी तरीके से दिन रात मेहनत करके अपनी खेती कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हर एक लाइन को, जो आप ये पैटर्न देख रहे हैं, हर एक पैटर्न को इन्होंने, ये जो छोटा सा इनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, उसी से ये बनाते हैं और ये हर साल बनाते हैं। तो दोस्तों, आइए थोड़ा इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अंकल सुनिए, अंकल पहले आप अपना नाम बताइए। राजेश पाटीदार। अच्छा, आप ये बताइए कि इन खेतों में इन लाइनिंग्स का मतलब क्या जरूरत क्या है, ये जो आप मतलब कर रहे हैं बीच बीच में ये जो लाइन बना रहे हैं इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट से, तो इसकी जरूरत क्या है? बीच में चारा नहीं हो गया था, हाँ। अच्छा, चारा मुझे मर गया। अच्छा अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि जो बीच में, मतलब जैसे ये तो पूरी खेती हो गई, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको बीच में, वो तो इनका चावल का पौधा है मतलब, और जो बीच में मतलब लाइनिंग इसलिए बनी हुई है ताकि ये बीच में, ये जो इनके मशीन में, इनके मशीन में आप देख सकते हैं कि ये जो खोदने का ये जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, आप इसे करीब, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है तो ये तो गाड़ी की तरह चल रहा है, पहिए की तरह, और आप पीछे खोदने का एक निशान बना हुआ है, तो ये इसलिए बना हुआ है कि ये तो जैसे धान है यानी कि चावल का पौधा, लेकिन ये जो दूब है, जो फालतू के कचरे हैं, वो निकालने के लिए इन पैटर्न्स की जरूरत होती है। तो ये लोग दिन रात इस ऐसे ही मतलब धीरे धीरे डेली, आप अच्छा एक दिन में आप कितनी लाइनिंग्स बना लेते हैं? अच्छा, एक दिन में 100 लाइन बना लेते हैं। अरे वाह, तो मतलब एक दिन में ये पूरा खेत तो हो ही जाता होगा? दो दिन में होता है। अच्छा अच्छा, ये खेत दो दिन में पूरा पैटर्न बन जाता है। अच्छा अच्छा, तो आप देख सकते हैं इसे बनाने में बहुत ज्यादा समय भी लगता है, करीब 2 दिन का पूरा समय लगता है। कि करीब सुबह आप कितने बजे आ जाते हैं? सुबह 6 बजे आ जाते हैं। अच्छा, शाम को 6 बजे तक। अच्छा अच्छा अच्छा, आप देख सकते हैं टोटल 12 घंटे के मतलब 24 घंटे लगते हैं इसमें टोटल, इन पूरे पैटर्न्स को बनाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये उनके पिताजी हैं और ये भी खेती में पूरे लगे हुए हैं और ये पूरा पैटर्न है। तो मैं हमेशा, कभी ट्रेन में जाता था या कभी कहीं देखता था, तो मैं हमेशा सोचता था कि आखिर इन पैटर्न्स की, इन लाइनिंग्स की जरूरत क्या है खेतों में। तो आज आपको पता चल गया कि इन घासों के मतलब इन पौधों के बीच में जो फालतू के कचरे उग जाते हैं, फालतू की घासें उग जाती हैं, उन्हीं को खत्म करने के लिए, उनके आसपास की घासों को खत्म करने के लिए इन पैटर्न्स को बनाया जाता है। आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं, और ऐसा नहीं कि ये इसी खेत में है, आप आसपास खेत में भी है। थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो दिखा सकता हूं, ये आसपास के खेतों में भी इन्हीं पैटर्न्स का यूज किया गया है। आप देख सकते हैं कि इनमें आसपास, आप देख सकते हैं इसमें ज्यादा, उसमें क्या है, ताजा दिख रहा है तो इसीलिए बिल्कुल शो हो रहा है, इसमें काफी मतलब काफी दिन किए हुए हो गया, तो आप देख सकते हैं कि बीच बीच में, हाँ अब आप देख लीजिए कि बीच में किस तरीके से हरे हरे पैटर्न्स गए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसी खेत में है, यहाँ के सारे आसपास जितने भी खेत हैं, इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि पूरे MP में ही इस तरीके से खेती होती है। तो दोस्तों, आज की जर्नी यहीं समाप्त होती है, उम्मीद है आपको कुछ अच्छा देखने को मिला होगा, कुछ अच्छा सोचने को मिला होगा। ओके, बाय, थैंक यू।